मेरे प्रिय शिष्यों और साधकों, 13 जुलाई हम मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा। इस महोत्सव में आप भी भाग ले सकते हैं, आप भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन मार्ग कौन सा चुने, इसके लिए गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आप कोई विशेष मंत्र उच्चारण करते हैं, विशेष साधना करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, लेकिन बिना गुरु के वो साधना अधूरी है। गुरु पूर्णिमा पर मैं 5 प्रकार की विशेष दीक्षाएं प्रदान करूं, जिसमें मुख्य होगी गुरु दीक्षा। आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो शिष्य इसे प्राप्त करेगा, 13 जुलाई को 1 मिनट के लिए मैं उस शिष्य से बात करूंगा व्यक्तिगत, और साथ में मैं उसे खुद टेलीफोन मिलाऊंगा, और एक विशेष कवच, गुरु दीक्षा कवच, जो उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा, उसे भी प्रदान किया जाएगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करके गुरु दीक्षा की पूरी जानकारी ली जा सकती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सब अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। सफलता के साथ व्यक्तित्व में भी बदलाव आता है। गुरुकुल में एक गुरु अपने शिष्य के जीवन को निखारने का काम करते थे। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये सफल जीवन क्या होता है? जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि हमें सफल होना है, यही शिष्य ने पूछा। उसकी बात सुनकर गुरुदेव उसे पतंग उड़ाने के लिए अपने साथ लेकर गए। शिष्य शानदार तरीके से पतंग उड़ा ही रहा था कि धागा कम पड़ गया। उसने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, पतंग तो बहुत ऊपर पहुंच गई है, लेकिन अब धागा या धागे की कमी से वो और ऊपर नहीं जा पा रही है। गुरुदेव ने कहा, तो अब करे क्या? शिष्य ने जवाब दिया कि पतंग के इस धागे को अपन काट देते हैं, इससे पतंग पूरी आजादी से उड़ने लग जाएगी। शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या हम इसे तोड़ दें? गुरु ने जवाब दिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इसे तोड़ दो। शिष्य ने धागे को तोड़ दिया। कुछ देर बाद वो पतंग ऊपर तो नहीं गई, लहराते हुए एक अनजान जगह पर आकर गिर जरूर गई। इस घटना के बाद शिष्य निराश हुआ और गुरुदेव की तरफ देखने लगा। तब गुरु ने अपने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया। गुरु ने शिष्य से कहा कि ऊंचाई पर पहुंचने पर अपने आसपास के लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी जड़ों से हमेशा बंधकर रहना चाहिए। कई बार हम सफल हो जाते हैं, अपने साथी, माँ बाप, परिवार, गुरु, इन सब से रिश्ता तोड़ देते हैं और ऐसा लगता है हम ही सब कुछ हैं और बाकी सब मूर्ख हैं। दूरियों में रिश्तों में फर्क नहीं पड़ता है, बात तो दिल की नजदीकियों की होती है, वरना मुलाकातें तो रोज न जाने कितनों से होती हैं। इसलिए आज से आपको अपनी जड़ों को और मजबूत करना है, हमेशा जड़ से जुड़े रहिए, और यही गुरु पूर्णिमा की एक बहुत अच्छी सीख हो सकती है आप लोगों के लिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आज गुरु पूर्णिमा है, आपको और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कबीर ने कहा था कि गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न साचा, सीस कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए आप लोगों को यह समझना चाहिए कि जीवन में गुरु होना जरूरी है। गुरु कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जिस गुरु से आपको आशीर्वाद और दीक्षा प्राप्त हो और आपके जीवन के मार्ग को आप प्रशस्त कर सकें, इसलिए आज आपको दीक्षा जरूर प्राप्त करनी चाहिए। और सबसे बड़े गुरु अगर कोई हैं तो हमारे माता पिता हैं, उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करें। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर राशि के साथ मैं राशि अनुसार विशेष उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। प्रिय साथियों, मैं आने वाली 15 जुलाई को दिल्ली में हूँ, 16 तारीख को मैं गुड़गांव दिन भर और शाम को आगरा रहूंगा, 17 जुलाई को लखनऊ, 22 और 23 जुलाई को काठमांडू नेपाल, 24 जुलाई को मैं दिल्ली रहूंगा और 29 जुलाई मुंबई, 30 जुलाई सूरत और बड़ौदा, 31 जुलाई को अहमदाबाद रहूंगा। प्रिय साथियों, मैं भी हाल ही में लंदन से लौटा हूं, लेकिन मेरा फिर एक प्रोग्राम 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक लंदन यानी इंग्लैंड में रहने का है। अगर आप वहां रहते हैं तो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। आज सबसे पहले हम गुरु मंत्र में बात करेंगे, गुरु पूर्णिमा पर क्या करें कि जिससे जीवन में वृद्धि हो सके। 6 राशि के बाद वास्तु सेगमेंट में बात करेंगे, ऑफिस के वास्तु को कैसे दूर किया जाए, और कार्यक्रम का अंतिम होगा एस्ट्रो ज्ञान। लेकिन शुरुआत आज के गुरु मंत्र से। गुरु पूर्णिमा पर ऐसा क्या करें कि जीवन में वृद्धि ही वृद्धि हो जाए। गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले अपने गुरु को नमन करें। यदि आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है तो आज आपको गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी को भी गुरु मानकर नमन करें। भगवान विष्णु का पूजन करें और जरूरतमंद लोगों को पीले अनाज, वस्त्र और पीली मिठाई का दान करें। इससे आपके जीवन में वृद्धि होगी। और आज माता पिता के चरण धोइए,
उन्हें धोकर पिए, शिवलिंग पर जाकर 21 बिल्व पत्र अर्पित करें और जीवन में श्रेष्ठता के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। आइए अब चंद सेकंड आप लोगों के लेता हूं आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज पूरे दिन गुरु पूर्णिमा रहेगी और आज ही रात को 11:18 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंदादि योग, अनफा योग, बुध आदित्य योग और एक नया इंद्र योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव्य योग का साथ मिलेगा। मिथुन, कन्या, धनु और मीन अगर आपकी राशि है तो हंस योग और भद्र योग का लाभ मिलेगा। वहीं मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोगों को शश योग और रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज भी राहु और मंगल का अंगारक दोष रहेगा, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो आपको एक ही बार मिलेंगे, शाम 5:15 से 6:15 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया, या यूं कहेंगे लाभ का चौघड़िया। दोपहर को 12 से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल में शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए और आज सूर्य उदय से लेकर दोपहर 2:04 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी, इसलिए भद्रा में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका ज्ञान विवेक बढ़ने वाला है, आज जीवन का एक सत्य समझ में आने वाला है, बड़ा आशीर्वाद आज आपको मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर कर्मचारियों के साथ चल रहा विवाद सुलझ जाएगा, राहत मिलेगी। काम फिर तेजी गति से आगे बढ़े, आपको इसके लिए नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और आज व्यस्तता रहेगी। बुध आदित्य और इंद्र योग के बनने से टेक्नोलॉजी, आईटी और सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोगों के लिए नए मौके हाथ लगने वाले हैं। साथ ही धन कहीं व्यर्थ में खर्च न हो जाए इस पर ध्यान देना पड़ेगा और जल्दीबाजी से बचिए। जॉब ट्रांसफर, प्रमोशन या जॉब चेंज की कवायद आज तेज कर दीजिए, आपकी विश पूरी होने वाली है। आप और आपके लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ तीखी नोकझोंक हो सकती है, आंख बंद करके भरोसा किसी तीसरे व्यक्ति पर नहीं करना है। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। यदि आपका अपना ही कोई साथी बीमार है तो आज आपकी वजह से उसे मोटिवेशन मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को लेकर गंभीर बने, अन्यथा आप समस्या में फंस जाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुवर को पीले पुष्प अर्पित करते हुए फल और भोग लगाइए। गरीब लोगों को श्रद्धा के अनुसार हल्दी के साथ चने की दाल भी बांटना शुभ रहेगा और कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म या किताबें बांटना शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आपके आसपास कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, उसमें से आपके काम का परिवर्तन क्या है इस पर ध्यान दीजिए। बिजनेस के कामों में कहीं रुकावट ना आ जाए इस पर ध्यान दीजिए, इसीलिए किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपका काम आगे बढ़ सकता है। इस कॉम्पिटिशन के दौर में आपको कोई विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है जिससे आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। लाभ के नए साधन या नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने में आपको आज सफलता मिल सकती है। नौकरी और व्यवसाय के मामले में सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप साइलेंट रहोगे, लगातार अपने काम को करते जाएंगे, वरना हाथ आया हुआ काम दूर हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ पारिवारिक सूझबूझ के साथ आगे बढ़िए। आक्रात्मकता, गलत बोल, बिगड़े बोल से सारी बाजी पलट जाएगी, इसलिए आपको उन लोगों के साथ दिल से ही रिश्ता रखना चाहिए जो दिल से रखते हैं आपसे। आपकी सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच एक स्वर्ण की खोज के समान है, जो इसे खोज लेता है वो मूल्यवान हो जाता है, इसलिए स्टे पॉजिटिव। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लव अफेयर, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया की वजह से आज आप कहीं व्यर्थ में अपना समय गंवाने वाले, इससे बचना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव को सफेद पुष्प अर्पित करें, उनके चरण धोएं, उनकी पूजा करें, खीर का भगवान को भोग लगाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार सफेद चीजें दान करनी चाहिए। मिथुन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ मनभेद और मतभेद बुलाइए। व्यापार में लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास उचित परिणाम देंगे। रुके हुए काम भी आपके निपटने वाले, कोई नया काम भी शुरू करने से पहले अपने घर परिवार के सदस्यों की सलाह जरूर लीजिए और उस कार्य को धरातल पर लाने की प्लानिंग बना सकते हैं। दोपहर 4 से 6 बजे के बीच में आपके लिए शुभ और मांगलिक कार्य करना शुभ रहेगा। नौकरी प्राप्ति या उसमें परिवर्तन के लिए प्रयास सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहे हैं, आज कहीं अप्लाई करना शुभ रहेगा। सुख समृद्धि बढ़े इसके लिए आज आपको कुछ छोटा या बड़ा त्याग करना पड़ेगा। अपने आपको सहयोग देंगे और नए संबंध भी बनने वाले हैं जो लाभ देंगे, और काम में सफलता की प्रबल संभावना तब रहेगी जब सुबह उठते ही आप अपने काम को, अपने डे को डिजाइन कर लेंगे और वैसे ही चलते रहिए। शाम को घर के सदस्यों के साथ छोटा गेट टुगेदर, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग हो सकती है। बच्चे और भाई बहनों की सेहत में सुधार आएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी सोच और माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद आप में नई ऊर्जा का संचार करेंगे।
विपरीत परिस्थितियों में भी आज आप पॉजिटिव रहेंगे और कुछ नए रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरुवार को चंदन की धूप दीप करते हुए पीले फलों का भोग लगाएं और भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, कारोबार जॉब और बिजनेस से प्रॉब्लम आ रही है तो जरूरतमंद लोगों को पीले अनाज वस्त्र और पीली मिठाई डोनेट करिए और आप देखिएगा पुस्तकों का दान भी साथ में करने से आपके जीवन में श्रेष्ठता आएगी। कर्क राशि, आज अपने मानसिक तनाव पर थोड़ा गौर करिए, कहीं आप ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे। आपके आसपास जो खुशियां हैं सिर्फ उसे ही महसूस करिए, दिन अच्छा हो जाएगा। बिजनेस में न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैजिक मोमेंट लेकर आ रहे हैं। सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंध खराब मत होने दीजिएगा। जिस काम को आप आसानी से कर सकते हैं उस पर उलझने की क्या जरूरत है, बहुत मुश्किल काम आज हाथ में मत दीजिए। ऑफिस में फाइल दस्तावेज बहुत संभाल के रखिए और घर में भी वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिए। अनफा और वाशी और इंद्र योग के बनने से वर्क प्लेस पर सतर्कता और साथ में भविष्य की योजना बनाना आज आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से चिंता दूर होगी, मन प्रसन्न हो सकता है। आपको अपने रूटीन के काम में नई ऊर्जा मिले या फिर एक एक्स्ट्रा समय मिले जिसमें आप कुछ अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले सके, ऐसा काम आज हो सकता है। किसी ने सही भी कहा है कि नियमित कार्य करें और स्वस्थ रहें। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छा बढ़े इसके लिए छोटा या बड़ा आज आपको त्याग करना पड़ेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी स्टडी पर ध्यान केंद्रित करिए, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं। संपत्ति के डॉक्यूमेंट रिनोवेशन इस पर विचार आज करना जरूरी है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुवार को नारंगी से यानी ऑरेंज कलर के वस्त्र अर्पित करें, पेड़े का भोग लगाएं। जो छात्र शिक्षा से संबंधित बाधाओं को महसूस कर रहे हैं उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का पूजन और गाय की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। सिंह राशि, आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और अपने जीवन में कैसे निखार आए इसके लिए एक तरह से जैसे स्टूडेंट कैसे नोट्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वैसे आज के दिन की आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इस समय सेल्स परचेस मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, वर्क प्लेस पर ज्यादा से ज्यादा समय रहिए, इधर उधर मत भटकिए। आंतरिक व्यवस्था और स्टाफ पर नजर रखिए। प्रिय साथियों, अपनी योजनाएं और वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर को थोड़ा सुधारिए और हमें राज को किसी के साथ शेयर न करें। ऑफिस के किसी काम को लेकर आज ट्रेवल करना पड़ सकता है, ट्रेवल में किसी से झड़प भी हो सकती है, साइलेंट रहे, लाभ मिलेगा। किसी इंपॉर्टेंट काम को लेकर आज ऑफिस में ओवर टाइम के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर आपको आराम देंगे और आपके जीवन के कई मुद्दों को सुलझाने में आपका सहयोग भी करेंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज स्मार्ट स्टडी आपको लाभ देगी और कड़ी मेहनत ही सफलता का सूत्र है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरते। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुवार को सफेद पुष्प अर्पित करते हुए सुगंधित मिठाई का भोग लगाएं। जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके चारों कोनों में आपको एक कील और एक प्रकार से चांदी की कील हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो चांदी का तार लगाना चाहिए और आर्टिफिशियल ज्वेलरी आज किसी को डोनेट करनी चाहिए। कन्या राशि, परिवार की सुख सुविधाएं कैसे बढ़े इस पर विशेष विचार करिए और जो सुख सुविधाएं सबके साथ कैसे उसका आनंद ले सके इस पर ध्यान दीजिए। बिजनेस में थोड़ी मंदी आपको परेशान करेगी, सावधानी और मेहनत द्वारा जरूरत के काम सफल हो जाएंगे, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अतिरिक्त ड्यूटी आ सकती है। हायर ऑफिशियल के साथ कंपनी ग्रोथ के आइडियाज शेयर करें जिससे आपकी अप्रोच बढ़ेगी। पारिवारिक कलह में फंसने की थोड़ी संभावना है, आप अच्छी संगत और तार्किक रूप से सोचने में आज सक्षम नहीं होंगे, इसलिए पेंडिंग काम को नई स्ट्रेटेजी के साथ पूरा करिए। आप घर में धर्म कर्म के मामलों में रुचि लेंगे। आज स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाइयों में ही सिद्धांतों की परीक्षा होती है। गाड़ी चलाते समय और बातचीत करते समय बड़ी आपको जो है सतर्कता रखनी चाहिए, वरना चोट दिल को, गाड़ी को और आपको लग सकती है। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव को चंदन अर्पित करते हुए पीली मिठाई का भोग लगाएं। शुभ मुहूर्त में चांदी के बर्तन अपने घर की भूमि में दबाएं। साधु संतों का अपमान नहीं करें और आज कुछ जरूरतमंदों के काम की चीजें डोनेट जरूर करिए। आइए छह राशि बाद वास्तु सेगमेंट में बात करते हैं। अगर ऑफिस में आप बैंबू का पेड़ या उसके फोटो लगाएं, स्नेक प्लांट लगाएं, अपने ऑफिस के डेस्क पर अगर रखें तो इसके अलावा आप ऑफिस में एरिका पाम का प्लांट, मनी प्लांट या ड्रैकोना का प्लांट लगा सकते हैं। ये सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं और प्रॉफिट के साथ साथ ऑफिस का वातावरण भी
बेहतर बनता है। बात करते हैं तुला राशि की। साहस, करेज, एंथुजियाज्म डेवलप होगा। व्यवसाय से संबंधित पेंडिंग काम और विवादों को निपटाने में आज आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। साथ ही अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बेहतरीन समय। किसी बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोपहर को 2 से 4 के बीच में आप ऐसा कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप काफी व्यस्त रहेंगे और मेहनत के अनुरूप भी सफलता मिलेगी। लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने में व्यस्त रहेंगे। घर के सदस्यों के साथ प्यारा समय बिताने वाले हैं। तीर्थ यात्रा या किसी अच्छी जगह पर यात्रा करने का फिलहाल आपका प्लान बन सकता है। शुभ कार्यों में धन व्यय होगा, उन्नति के शुभ अवसर मिलेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स खान पान के साथ साथ व्यायाम पर भी ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और व्यायाम ही हमारे शरीर के स्वास्थ्य, भूख और नींद के लिए सर्वश्रेष्ठ पोषण है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव को सफेद पुष्प अर्पित करते हुए गुड़ का भोग लगाएं, साबुत मूंग मंदिर में दान करें और 12 वर्षीय छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बुक्स को डोनेट जरूर करें। वृश्चिक राशि, आज फाइनेंस पर ध्यान दीजिए। पैसा कितना है, कितना आने वाला है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, सेव कैसे करें, इस पर विचार करिए। बुध आदित्य योग के बनने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पे गति आएगी। साथ ही जो अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, वो आज अच्छे ढंग से चले इसके लिए आप समय से पहले काम पूरा करने के बारे में सोचिए। पुराने संपर्कों को फिर आप जागृत करिए, समय उससे लाभ लेने का भी है। नौकरी में अधिकारियों के आदेश की अनदेखी नुकसान देगी। वर्क प्लेस पर सहयोगियों के साथ सहयोग करिए, शुभ समाचार मिलेंगे। कोई एक अच्छी या पुरानी इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है। काम से संबंधित योजनाओं के लिए बहुत अच्छा दिन है और ट्रैवल करने के लिए अच्छा दिन है। आपकी प्यारी बातें लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का दिल जीत लेगी। अपने माँ बाबू जी के साथ आज आपको कोई ट्रैवल करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और स्टूडेंट और लर्नर के लिए समय अनुकूल है। अपनी स्किल के अनुसार आज आप काम करके बड़ा डेवलपमेंट प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामले में दिन अच्छा है और योग प्राणायाम का संकल्प जरूर लीजिए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरुदेव को ऑरेंज कलर के वस्त्र भेंट करिए। खीर में थोड़ा सा केसर डाल के भोग लगाइए। केले के 2 पौधे भगवान विष्णु जी के मंदिर में लगाएं और पंच धातु से बनी हुई कोई भी चीज मंदिर में डोनेट करिए और पुस्तकें गरीब बच्चों में बांटिए या जरूरतमंद लोगों में। धनुराशि, आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ने वाला है। व्यवसाय से संबंधित एक्टिविटीज में सुधार आएगा और आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। इनकम के नए सोर्स बढ़ेंगे। पार्टनर और व्यापारी वर्ग से अच्छा लाभ या सुरताल बन सकता है। नौकरी में कोई अथॉरिटी पाने के लिए उचित अवसर का इंतजार करिए। वर्क प्लेस पर जटिल समस्याओं से आसानी से जूझते हुए बाहर निकलेंगे। बॉस द्वारा दी गई सलाह के बारे में अमल करिए, इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। पारिवारिक सहयोग आज आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स खान पान और अपनी सेहत पर ध्यान रखिए, वरना बीमार होने की संभावना ज्यादा है, उससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दूसरों में दोष देखने की बजाय अपने अंदर दोष देखोगे तो दोष दूर होंगे। माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसी परियोजना जो आपको खुद ही असंभव लग रही है, आज उस पर आपको थोड़े रिस्क जरूर लेने चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव को पीले पुष्प अर्पित करते हुए पीले फलों को जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। पीले रंग के पुष्पों के पौधे अपने घर के आसपास लगाइए और कोशिश करें कि चावल और पुस्तकें आज जरूरतमंद लोगों में बांटिए। मकर राशि, नए संबंध और नए संपर्क आपको लाभ देंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा संभाल के रखिए, क्या पता कब कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में जल्दीबाजी नहीं करें। आपकी व्यवसायिक योजनाएं सफल रहेगी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा लोगों के शानदार आप काम आ सकते हैं और लोगों के जीवन की कई मुराद आपकी वजह से पूरी हो सकती है। ऑफिस में अपने कामकाज को लेकर ज्यादा गंभीर रहें, आपकी छोटी सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। वर्क प्लेस पर आपको अपने आलस्य को अब दूर करना होगा और स्मार्ट वर्क जरूर करना पड़ेगा। और आलस्य की रफ्तार इतनी धीमी है कि उसे दरिद्रता फौरन आ दबाती है। परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वक्त रहते आपने उनको वक्त नहीं दिया। समय आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए परिवार को वक्त दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके व्यवहार और आचरण आपको खुद डिस्टर्ब करेंगे। सेहत अच्छी है लेकिन ट्रेवल में ड्रिंक और ड्राइव और रैश ड्राइविंग परेशान कर सकती है। लाइफ स्टाइल में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को शामिल करिए। गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव को सफेद पुष्प अर्पित करते हुए मीठी वस्तुओं का भोग लगाएं। स्नान के जल में मगर मोथा
माफ करिएगा नागर मोथा नामक वनस्पति डालकर स्नान करें और आज जरूरतमंद बच्चों को स्टडी मटेरियल और बुक्स डोनेट करिए। कुंभ राशि, आपके नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या है उसे पूरा करिए। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इनिशिएटिव लेते हुए, पहल करते हुए आगे बढ़ाइए। साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंसी वो रखना जरूरी है। व्यवसायिक गतिविधियां अभी मंद रहेगी। मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नई जानकारी हासिल करिए और कुछ नया प्लान करिए। आप अपने व्यवसाय को गति देने में सक्षम रहेंगे। अनफा और वाशी योग के बनने से वर्क प्लेस पर रूटीन के कामों में प्रगति होगी। सभी प्रकार के सुख शांति के संकेत है। जोश और आत्मविश्वास आज आप महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा और समय एक साथ कई काम करवा देंगे। आपकी संतान आज आपको आहत कर सकती है। खर्चे और कर्जे के बढ़ने से तकलीफ आ जाएगी। अपने माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और भावनात्मक संबंध और बेहतर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। और याद रखिएगा, स्मार्ट स्टडी कभी थका नहीं देगी, सेटिस्फेक्शन देती है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरुदेव को सुगंधित पुष्प अर्पित करते हुए उनके चरण धोकर पिए, खीर का भोग भगवान को लगाएं, साधु ब्राह्मण और पीपल के वृक्ष की पूजा करें और चांदी का दान जरूर करें। मीन राशि, अपने पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज आपका दिन सफल बनेगा। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए दिन अच्छा है। नए आउटलेट्स खोलना, पुराने को बंद करके नए में कुछ तब्दील लाना, एक्सपांशन करना शुभ रहेगा। इन्वेस्टर्स और आपके बिजनेस के आइडियाज में विश्वास आज आपको आ जाएगा। वर्क प्लेस पर कर्मचारियों और स्टाफ का सहयोग जरूर मिलेगा। नए अनुबंध बनेंगे। आर्थिक नजरिए से ये फायदेमंद समय है। नौकरी पेशा व्यक्तियों का किसी टारगेट को पूरा करने से कंपनी का फायदा मिलेगा। अधिकारियों द्वारा भी आपको मदद मिल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। साझेदारी में किए गए काम से आपको लाभ मिलने वाला है। नौकरी और व्यवसाय में चल रही समस्या दूर होगी। परिश्रम से काम बनेंगे और दैनिक कार्य समय पर पूरा कर सकेंगे। छोटे हो या बड़े भाई हो या बहन, आपकी मदद चाहते हैं, उनकी मदद जरूर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य, गॉसिपिंग, सोशल मीडिया में आपका टाइम खराब होने वाला है, इससे आपको बचना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु यंत्र स्थापित करें, गुरु की पूजा करें, आज के दिन व्रत करें, माँ बाप को कोई तीर्थ स्थान पर ले जाकर यात्रा करिए, उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करिए, शुभ रहेगा। बात करते हैं आज के अश्रु ज्ञान की। अगर आपकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन है तो आपके लिए शुभ दिन है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि वाले लोगों के लिए सामान्य है, परंतु वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा संभल कर दिन गुजारना चाहिए। आज आप श्री गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प और गणपति मंदिर में चढ़ाएं और वहीं बैठकर एक माला ओम गंग गणपते नमः पढ़िए, आपको आज शुभ समाचार मिलेंगे। आपको और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे उनसे मैं एक मिनट तक वीडियो कॉल पर बात करूंगा 13 तारीख को। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। मेरे प्रिय साथियों, 14 जुलाई से भोलेनाथ को अति प्रिय है श्रावण मास शुरू होने जा रहे हैं। 4 सोमवार रहेंगे। इस समय विशेष में स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि श्रावण मास के सोमवार को और श्रावण मास में जो विशेष पूजा करते हैं, जल और पंचामृत से अभिषेक करते हैं, आक दतुरा बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, तन मन और धन से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो उसे इस लोक में और परलोक में जो चाहे वो सब कुछ मिल सकता है। आप श्रावण मास के उपास नहीं कर सकते हैं, विशेष मंत्र और पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, आप कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आप सक्षम नहीं है, इसके लिए हमने बीड़ा उठाया है आपके नाम से पूजन के लिए। क्योंकि समय रहते आप हो सकता है पूजा ना कर पाए, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर शिवलिंग ना हो, तो हम आपके नाम, आपके माता पिता के नाम, आपके गोत्र के नाम से संकल्प लेकर भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। विशेष मंत्रों से, विशेष द्रव्यों से अभिषेक करके, विशेष सामग्री को अर्पित करके, और उसके बाद आपको अभिमंत्रित रक्षा सूत्र हम आपके पते पर भेजेंगे। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आज ही आप उन्हें नोट करवाइए ताकि आपके लिए विशेष पंडित जी की व्यवस्था हो सके। एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।